नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज हम इस राज से पर्दा हटाने वाले हैं कि कैसे वांडा विजन एक नॉर्मल सीरीज ना होके फ्यूचर एमसीयू की चाबी होने वाली है और कैसे ये शो आगे जाके एक्समैन को इंट्रोड्यूस करने वाला है। अब जब से वांडा विजन का ट्रेलर आया था तभी से सभी क्रिएटर्स ने उसके ब्रेकडाउन पे वीडियो बनाए। लेकिन ये अच्छा ही हुआ क्योंकि उनकी बदौलत हमें ये मालूम हुआ कि वांडा के इस शो में म्यूटेंट्स के भी रेफरेंसेस हैं। तो चलिए हम एक एक करके वो सारे रेफरेंसेस देखेंगे जिससे कि ये कंफर्म होता है कि वांडा विजन एक्समैन को लाने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एंड में आपको एक ऐसी डिटेल मिलेगी जिसे आपने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा और साथ ही साथ मेरी एक थ्योरी भी। तो वांडा विजन के ट्रेलर ने हमें पहले ही जम के ईस्टर एग्स दिए थे जिनमें से ये वाइन बॉटल वाला रेफरेंस था जिसके नेक पर एक बड़ा सा एम और लेबल पर मेशन ड्यू मैप्रिस लिखा होता है जिसे अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये क्लियरली हाउस ऑफ एम का रेफरेंस देता है। हाउस ऑफ एम वाली स्टोरी लाइन अभी तक की मार्वल की सबसे कूलेस्ट स्टोरी लाइन में से एक है जहाँ स्कारलेट विच की वजह से एवेंजर्स डिसेबल हो चुके थे। आर यू कॉमेडी मी? जिसकी वजह से सारे हीरो स्कारलेट विच को मारने के लिए एक साथ आ जाते हैं क्योंकि उसकी वजह से पहले ही कई हीरोज मारे जा चुके थे और वो अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब इस नई टीम में एक्समैन और एवेंजर्स दोनों ही एक साथ आ चुके थे क्योंकि उन्हें स्कारलेट विच को मारना था। अब जब ये बात उसके भाई क्विकसिल्वर को पता चलती है तो वो तुरंत ही वांडा को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। जिसके बाद वांडा पूरी दुनिया की ही रियलिटी चेंज करती है। अब इस नए रियलिटी में मैग्नेटो यानी कि मैग्नस का राज था जहां म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन इंसानों से भी ज्यादा थी और सभी हीरोज अपना पास्ट भूल चुके थे और सबसे जरूरी उन सभी हीरोज के पास वो सब कुछ था जिसकी उन्हें कभी चाह थी सिवाय वुल्वरीन के जिसे अभी भी सब कुछ याद था। जिसके बाद वुल्वरीन एमा फ्रॉस्ट की मदद से एक एक करके सभी हीरोज की मेमोरीज वापस लाता है और स्कारलेट विच को रोकने जाता है। जिसके बाद वहाँ एक बड़ी सी फाइट होती है जिसमें मैग्नेटो के हाथों से क्विकसिल्वर मारा जाता है क्योंकि क्विकसिल्वर ने मैग्नेटो का नाम यूज करके वांडा से ये सब कुछ करवाया था। अब अपने आंखों के सामने क्विकसिल्वर को मरता देख वांडा फिर से इस रियलिटी को चेंज करती है लेकिन इस बार वो इतने गुस्से में होती है कि वो गुस्से में तीन वर्ड कहती है नो मोर म्यूटेंट्स। जिसके बाद इस नई रियलिटी में सभी की सभी म्यूटेंट्स की पावर्स चली जाती है और जिस तरह ये कहानी आगे बढ़ रही है उससे समझ तो आ रहा है कि ये सीरीज आके क्या मोड़ लेने वाली है। अब वांडा विजन की इस सीरीज में हमने आगे स्वॉर्ड को भी देखा जो यहाँ होने वाले इस इवेंट पे नजर रख रहे हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि स्वॉर्ड क्या है और कौन है तो मैंने इस पे एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है तो उसे जरूर चेक कर लेना क्योंकि आपको डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा। तो कॉमिक्स में जितने भी स्वॉर्ड के मेंबर्स रह चुके थे उनमें मोस्टली सभी एलियंस और म्यूटेंट्स होते हैं और ऊपर से हमने इस सीरीज में मोनिका रैम्बियो को भी देखा जो एक स्वॉर्ड की एजेंट होती है और जिसका नाम जेरल्डाइन होता है। लेकिन मोनिका रैम्बियो असल में कैप्टन मार्वल की जैसी एक सुपर हीरो होती है जिसके पास में भी अभी तक पावर्स आई ना हो लेकिन इस वांडा विजन की सीरीज के बाद ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे कि उसे भी बाद में पावर्स मिले। तो एक फैन थ्योरी है कि मार्वल ने जितने भी म्यूटेंट्स या एक्समैन के रिलेटेड रेफरेंसेस दिए ये उनमें सबसे सीक्रेट है और वो ये है कि वांडा विजन अपने और एक्समैन के कनेक्शन को अपनी घड़ी के हैंड पोजीशन से दिखा रहे हैं। अब मुझे ये थ्योरी स्टार्टिंग में थोड़ी सेंसलेस लगी लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जिस तरह से एमसीयू अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है तो उसी तरह से वो अपने ईस्टर एग्स छुपाने के स्टैंडर्ड को भी बढ़ा रहा है। तो जिस ट्रकर वॉच को हमने एपिसोड 1 में देखा वो बस कोई मामूली वॉच नहीं थी उसमें सुकोविया और हाइड्रा वाले कनेक्शन तो थे। इस घड़ी में जो टाइम था वो बस कोई रैंडम टाइम नहीं था वो एक हिंट थी जिसे बाद में बाकी के क्लूज के साथ मिलाकर देखने पर समझ आया। अब इसी वॉच के साथ हमने और एक वॉच भी देखा ये रेडियो वॉच जिसमें 1:17:18 हुए थे। अब जब इन दोनों ही वॉचेस के हैंड पोजीशन को फ्लैग सेमाफोर सिस्टम से मिलाकर देखा तो यहाँ एक्समैन का एक बड़ा रेफरेंस मिला। लेकिन ये फ्लैग सेमाफोर सिस्टम आखिर है क्या? तो ये बेसिकली एक टाइप ऑफ साइन लैंग्वेज है जिसे मोस्टली नेवी वाले यूज करते हैं। इसमें दो ऑरेंज और येलो कलर्स के फ्लैग यूज होते हैं ताकि अगर इमरजेंसी में कोई डिवाइस काम ना करे तो फ्लैग्स के पोजीशन से मैसेज को फॉरवर्ड किया जा सकता है। लेकिन हर बार यहाँ फ्लैग्स यूज किए जाए ऐसा जरूरी नहीं, इसे किसी रॉड डिस्क पैडल या बैर हैंड से भी किया जा सकता है। तो अब अगर हम स्टकर के वॉच के पोजीशन और इस वॉच के पोजीशन को फ्लैग सेमाफोर सिस्टम से रीड करें तो इसमें क्लियरली हमें एक्समैन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।
अब मेरे पास भी एक पॉसिबल थ्योरी है जिससे कि एमसीयू में एक्समैन और बाकी के म्यूटेंट्स इंट्रोड्यूस होंगे। तो उसे सुनने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और वीडियो जरा भी पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अब मेरी थ्योरी की बारी, और हाँ, ये थ्योरी पॉसिबल थ्योरी है तो आपको इसे पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब जिस तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ रही है और जो पहला वांडा का इस शो से जो लीक फोटो आया था जिसमें वो नो मोर म्यूटेंट्स कहती है, उसे ध्यान में रखते हुए मैं ये थ्योरी बताता हूँ। तो हमें ये तो पता है कि इस शो में किसी तरह से हमें मेफिस्टो दिखने वाला है, और ये भी पता है कि किसी तरह से एग्नेस यानी कि इस सीरीज की अगाथा हार्कनेस उसके साथ मिली हुई है। अब मेरे हिसाब से इस सीरीज में आगे इस रियलिटी में विजन फिर से मरेगा और वांडा के दोनों ही बच्चे गायब हो जाएंगे, और इसका इम्पैक्ट वांडा पे इतना गहरा होगा कि इसके बाद वांडा पहले से भी बड़े ट्रॉमा से गुजरेगी, क्योंकि हमें ये शो पहले से ही चिल्ड्रंस पे ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसी सब का फायदा उठाकर एग्नेस वांडा को मेफिस्टो के पास ले जाएगी। अब मे बी ये हेल ना हो, लेकिन इस लीक फोटो के बैकग्राउंड में जो फायर है और इसके आसपास का ये जो रेड ग्रेडियंट है, उसे ऐसा लग रहा है कि ये मेफिस्टो की जगह हो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है क्योंकि मेफिस्टो एमसीयू का नेक्स्ट ट्रम्प कार्ड है, तो उसे ये लोग इतने जल्दी नहीं दिखाने वाले। तो एग्नेस वांडा से ये कहेगी कि स्वॉर्ड ने विजन और उसके बच्चों को मारा है और वो पूरी तरीके से म्यूटेंट्स के खिलाफ है, जिसकी वजह से उन्होंने उसे यहाँ कैद करके रखा था। इन शॉर्ट, एग्नेस यहाँ उसे स्वॉर्ड के खिलाफ मैनिपुलेट करेगी, जिसके रिस्पॉन्स में वांडा हाउस ऑफ एमजे से और भी ज्यादा गुस्सा होगी, और आखिर में वो अपने लव से वो तीन शब्द बोलेगी, नो मोर म्यूटेंट्स। और अगर हम यहाँ सबटाइटल्स को ध्यान से देखें तो नो के बाद कॉमा है और उसके आगे मोर म्यूटेंट्स लिखा हुआ है, जिससे क्लियरली हमें ये पता चलता है कि यहाँ नो और मोर म्यूटेंट्स दोनों अलग अलग है, और यहाँ मोर म्यूटेंट्स का मतलब ज्यादा म्यूटेंट्स है, जिसके बाद पॉसिबली मोनिका रैम्बो को अपनी म्यूटेंट्स पावर मिलेगी, और इसी पॉइंट के बाद से एमसीयू में म्यूटेंट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और यही हमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखाया जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि मेरी इस थ्योरी में थोड़े बहुत गलत पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी ये एक थ्योरी है, तो मुझे यार कमेंट्स में जरूर बता देना कि आपको ये थ्योरी कैसे लगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं आपके लिए से और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि लाइफ इज गुड बट इट कैन बी बेटर। लिखा जो भी आया मेरे जीमेल करे, मैंने ईमेल भेजे, मैंने डेमो सारे बस करने लगे, भेजे में था डाउट साला बस कैसे बने, पूरे थे तबाही मेरे लश्कर गले, रैप नहीं मैंने रैपर दिए, कभी दिए नहीं एफर्ट, एफर्ट दिए सब करा अकेले, जहां 10 जाने लगे आज गाना बजे 10 बार।